हेलो एवरीवन, दिस इज मी नेहा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और व्लॉग वसंत पंचमी के ऊपर। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरे पिछले वाले वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए, और आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वाला व्लॉग भी पसंद आएगा। वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। वसंत पंचमी है, नेचर से जुड़ी हुई है, तो आज इस पूरे नेचर के साथ रहकर मैं मना रही हूँ। वसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पांचवें दिन मनाई जाती है। वसंत पंचमी कई जगह पर श्री पंचमी के नाम से भी जानी जाती है, और तेज़ वाली ठंडी जो जाती है और जाते जाते ये धीरे धीरे जो शिफ्ट होता है ना मौसम गर्मी की तरफ, इसको हम स्प्रिंग सीज़न बोलते हैं। और प्रकृति में ऐसा बदलाव आता है कि पूरी धरती आपको खिली हुई नज़र आती है। हरे भरे पेड़ पौधे मिलते हैं, फूल मिलते हैं रंग बिरंगे, और वसंत पंचमी को ऋतु राज भी कहा जाता है, ऋतुओं के राजा। प्रकृति को जोड़ने वाला जो कलर है वो है येलो, जो अक्सर आप देखते हैं कि वसंत पंचमी में पहना जाता है, और मैंने भी येलो साड़ी पहनी है। और ये जो खिला खिला हुआ मौसम, इसको देखते ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो येलो कलर ऑफ कोर्स नेचर का प्रतीक है, और ये हमें नेचर से डायरेक्टली जोड़ता है। और आपको पता है इस दिन सरस्वती पूजा का भी महत्व है। कहा जाता है कि आज के दिन सरस्वती माँ प्रकट हुई थी। लर्निंग्स, नॉलेज, विजडम, स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, मतलब सरस्वती माँ हमें क्या क्या नहीं देती। अगर आप उनकी आराधना करें, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आराधना करेंगे तभी सरस्वती माँ आप पर प्रसन्न होंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको प्रतीक माना गया है ये सब स्किल्स का, जो हमारी क्रिएटिव स्किल्स होती हैं, टैलेंट्स होते हैं, ये माँ सरस्वती की ही देन है। आज के दिन ये भी कहा जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनकी स्टडी शुरू होने वाली होती है, तो वो आज के दिन उनके बड़े जो होते हैं उनसे पहला अक्षर लिखवाते हैं। बोला जाता है कि आज के दिन अगर वो अपने पढ़ाई की शुरुआत करेंगे तो उनकी बुद्धि बहुत तेज़ होती है, उनका जो उनके क्रिएटिव स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। इस तरह से कई अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं। मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, जो चावल होते हैं उसको एक थाल में सजा कर अच्छे से, और उस पर श्री या कोई भी फर्स्ट अक्षर जो बच्चों से लिखवाना होता है वो उससे लिखवाया जाता है, और उस पर बोला जाता है कि बच्चों से उंगली इस पर ही फेराइए। वो बहुत बहुत पसंद है मुझे। आज के दिन की एक और बड़ी खासियत है कि जो होली का त्यौहार मनाया जाता है, होली का त्यौहार आज से 40 दिन बाद ही आता है। स्टार्ट ऑफ होली फेस्टिवल भी इसको बोला जाता है कि आज के दिन से हमारा होली का जो त्यौहार है वो शुरू हो गया है। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं शायद आपके लिए लेकर आऊँ अपने फेस्टिवल से रिलेटेड या अपने कल्चर से रिलेटेड, और ट्रैवलिंग के ट्रैकिंग के वीडियोस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ घूमने की और ट्रैवल करने की, और ट्रैकिंग तो मेरा फेवरेट है। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल के ट्रैक्स नहीं किए हैं, लेकिन हाँ मैंने मॉडरेट ट्रैक्स किए हैं और मुझे अच्छा लगता है ट्रैकिंग करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वसंत पंचमी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वसंत पंचमी। थैंक यू।